नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैच। वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का दूसरा मैच अफगानिस्तान के साथ था। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 272 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने 35 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा अंदाज में हराया था। दूसरे मैच में भी टीम इंडिया ने ये काम जारी रखा। इस बार उसने अफगानिस्तान के खिलाफ दमदार खेल दिखाते हुए एक तरफा जीत हासिल की। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में तेज गेंदबाजों के दमदार खेल के बाद कप्तान रोहित शर्मा की रिकॉर्ड तोड़ पारी के दम पर भारत ने जीत हासिल की और अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जीत हासिल कर भारत ने वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। भारत ने ये लक्ष्य 35 ओवर में ही हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 84 गेंदों पर 16 चौके और 5 छक्कों की मदद से 131 रन बनाए। विराट कोहली ने भी अर्धशतक जमाया। विराट कोहली ने 55 रनों पर नाबाद रहे। अफगानिस्तान की तरफ से शाहिदी ने 80 और अजमतुल्ला जाजई ने 62 रन बनाए। रोहित के सामने दिल्ली से आए राशिद खान दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को राशिद काफी परेशानी भी करते हैं। आईपीएल में तो रोहित शर्मा को राशिद के खिलाफ 26 गेंद पर 4 बार पवेलियन लौटना पड़ा है, लेकिन दिल्ली में जब रोहित अफगानिस्तान के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तब अजमतुल्ला शाहिदी ने शाहिद को बॉलिंग नहीं दी। पावर प्ले में राशिद ने एक भी ओवर नहीं डाला और रोहित शर्मा ने इसमें 76 रन कूट दिए। वहाँ राशिद की बॉलिंग मिलती तो कहानी कुछ और भी हो सकती थी। अब आपको बता दें कि मैच में क्या क्या हुआ। कप्तान अजमतुल्ला शाहिदी ने 80 और अजमतुल्ला ने 62 रन की मदद से अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 272 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह 39 रन देकर 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। रोहित शर्मा ने 84 गेंद पर 131 रनों पर पारी में भारत को आसान जीत दिला दी। विराट कोहली ने नाबाद 55 जबकि ईशान किशन ने 47 रनों का योगदान दिया। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए स्पोर्ट्स मैचअप।